देवास के हाट पीपलिया में डोल ग्यारस के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हाट पीपलिया के नरसिंह घाट पर भगवान नरसिंह की 7.5 किलो वजनी पाषाण मूर्ति भमौरी नदी में तैराई गई। स्थानीय मान्यता के अनुसार अगर भगवान की प्रतिमा पानी पर तैर जाती है तो आने वाला साल सुख समृद्धि लेकर आता है। वही कार्यक्रम के दौरान लोग भगवान नरसिंह के जयकारे लगाते नजर आए। देखिए एयरपोर्ट डोल ग्यारस के मौके पर देवास की हाट पीपलिया में अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोग भमौरी नदी के नरसिंह घाट पर एकत्रित हुए, जहां भगवान नरसिंह की 7.5 किलो वचनी पाषाण प्रतिमा को पानी पर तैराया गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर प्रतिमा पानी पर तैर जाती है तो आने वाला साल सुख समृद्धि भरा होता है। वही कार्यक्रम के दौरान भगवान नरसिंह की प्रतिमा को 3 बार तैराया जाता है और जितने बार प्रतिमा तैर जाती है उससे आने वाले वर्ष का आकलन किया जाता है। तीनों बार मूर्ति तिरी है और तीनों बार अच्छी तिरी मूर्ति, करीब लगभग 15 से 20 फीट तक। तीनों बार मूर्ति तिरी तो क्या मान्यता रहती है? वर्ष के सारे वर्ष अच्छा रहेगा, पूरा वर्ष अच्छा, पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। और इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाटी के लिए आते हैं तो कैसा लगता है और आने वाले किस प्रकार की मन्नतें रहती है? तो आने वाले की मन्नतें, हर मन्नतें भगवान पूर्ण करते हैं, जो अपने जो आस्था से जो लेके आते हैं उनसे कि भगवान हमको ये चाहिए, भगवान ये चाहिए हमको, तो भगवान आस्था लेके आएंगे तो बराबर उनको मिलेगा। वही कार्यक्रम के दौरान भगवान नरसिंह की प्रतिमा को 3 बार तैराया गया और तीनों ही बार प्रतिमा तैर गई, जिससे स्थानीय लोगों का यह मानना है कि आगामी वर्ष सुख समृद्धि और खुशहाली भरा होगा। बता दें कि हर वर्ष डोल ग्यारस पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई लोग इस नजारे को देखने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देवास।